Welcome back to our channel Creative View. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, जी हाँ, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सरप्राइज़ केक बॉक्स घर पर कैसे बनाना है। सो, आज का वीडियो है इसी के ऊपर। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि इसे कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने इसका ट्यूटोरियल दिया है मेजरमेंट के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, बहुत मेहनत लगी। और जैसा कि आपको पता है, मेरे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है, मुझे बहुत ही मेहनत करके जुगाड़ करके ये ट्यूटोरियल्स बनाने पड़ते हैं। और इसका साइज़ ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मेरे साथ कोई भी हेल्प करने वाला भी नहीं है कि जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाता। तो सब कुछ मैंने खुद से करा है, तो इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट करके बताना आपको अच्छे समझ में आया या फिर नहीं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये इस तरह का एक बॉक्स है जो कि अभी ट्रेंडिंग गिफ्ट्स में बहुत चल रहा है। इसमें हम केक रख सकते हैं, साइड की वॉल्स पर फोटोग्राफ लगा करके, और ये जो बीच में ड्रॉअर है इसके अंदर आप जो भी गिफ्ट करना चाहते हैं लाइक मोबाइल फ़ोन या फिर अदर चीज़ वो रख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं पहले बता रही हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की तीन टाइप की टेपें चाहिए। फर्स्ट टेप है उसे टैकी टेप बोलते हैं, सेकेंड वाली जो है वो मास्किंग टेप है, और थर्ड वाली टिशू टेप है, और ये जो है फेविकॉल है। अगर आपके पास टिशू टेप नहीं है तो आप फेविकॉल से भी काम चला सकते हो। फोर्थ चीज़ जो है यहाँ पर वो है पेपर कटर। तो इसके बाद जो हमें सबसे मेन चीज़ चाहिए वो इस तरह के चिपबोर्ड है। अगर आपके पास इस तरह के चिपबोर्ड नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक शर्त पर कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मोटे कार्डबोर्ड हो। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर मेजरमेंट मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कार्डबोर्ड को इसी साइज़ में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका एक शेप, एक रफ ड्राइंग भी बना रखा है कि हमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने कट करनी है किस किस पार्ट के लिए। और ये इस टाइप का चिपबोर्ड जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, स्टेशनरी की शॉप पर या फिर बाइंडिंग की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो कितना ये चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप पूरा एक इसका बहुत बड़ा सा शीट आता है, अगर आप बड़ी शीट खरीदते हैं तो आपको दो बड़ी शीट्स चाहिए होंगी, और उसका प्राइस अराउंड एक शीट के 80 रुपीज़ लगते हैं। आप जितनी मोटाई का लेंगे उस अकॉर्डिंग आपके एरिया में प्राइस अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ड्रॉअर बना रहे हैं, इसलिए ड्रॉअर थोड़ा मजबूत होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दो शीट्स ली हैं चिपबोर्ड की, दोनों को फेविकॉल से आपस में चिपका करके इन सारी वॉल्स को इसके ऊपर चिपकाया है। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, और इसे मास्किंग टेप से सिक्योर कर दिया है। मास्किंग टेप इसलिए लगाई है क्योंकि फेविकॉल लगाते तुरंत ही चिपकता नहीं है, तो मास्किंग टेप से ये एक बार अटैच हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे फेविकॉल सूखता है ये अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है अपने ड्रॉअर को रेडी कर लिया है। फर्स्ट स्टेप ये थी। सेकेंड स्टेप में हमें उसका ऊपर वाला चीज़ बनाना है जिसके अंदर हम इसे एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने और भी अच्छे से किनारों पे ग्लू अप्लाई कर दिया है जिससे कि ये अच्छे से मजबूती से चिपक जाए इसके ऊपर। सो, इस तरह से आप अपने ड्रॉअर को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर वाले पार्ट को बना रहे हैं, उसका मेजरमेंट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह के दो चिपबोर्ड लिए हैं मैंने, और फिर इसकी तीन साइड्स को ही कवर करना है, दोनों साइड्स को नहीं, एक दोनों लेफ्ट और राइट की और बैक साइड के लिए। तो इस मेजरमेंट के हमने दो सेम मेजरमेंट की, और तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट मेजरमेंट का जो कि हमें बैक साइड लगाना है, वो आपको दिख ही रहा होगा 24.8 and 6.5 cm का। तो इस तरह से हम तीन चिपबोर्ड लिए हैं। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी मेजरमेंट को देख सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह से लगाएंगे जैसा कि एक फर्नीचर वाला ड्रॉअर होता है, टेबल का ड्रॉअर, तो उसमें एक एरिया होता है जहाँ पर हम अपने ड्रॉअर को इंसर्ट करते हैं और बाहर निकालते हैं, सेम वैसे ही बनाना है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाला पोर्शन बना रहे हैं हम उसे इस अंदर वाले से बड़ा रखना है, इतना स्पेस रखना है कि ये आसानी से अंदर और बाहर जा सके। बहुत टाइट नहीं रखना है, हल्का ढीला होगा तो भी चलेगा। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अभी भी हम इसे फेविकॉल की मदद से चिपका करके
और ये जो हमारी मास्किंग टेप है इससे इसे सिक्योर कर देंगे। तो जब ये सूख जाएगा तो ये अपनी शेप को अच्छे से ले लेगा और मजबूत भी रहेगा। तो मास्किंग टेप इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर टेप होती है, तो इसके ऊपर हम आसानी से चार्ट पेपर लगा पाएंगे ब्लैक कलर वाला। अगर आप सेलो टेप यूज़ करेंगे तो आप फिर इसके ऊपर चार्ट पेपर लगा नहीं पाएंगे, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक के ऊपर फेविकॉल से किसी भी चीज़ को चिपकाएंगे तो वो नहीं चिपकेगी। सो इस तरह से हमने इसके तीनों साइड्स को कवर कर लिया है और ऊपर वाले साइड पर एक चिपबोर्ड और इस तरह से कवर किया है, और फिर इसे और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सारी तरफ हमने मास्किंग टेप को इस तरह से लगा दिया है। इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के ऊपर हम वैसे मैं इसके ऊपर केक नहीं रखने वाली हूँ। मैंने इसे सिंगल शीट से ही बनाया है। अगर आप 1 पाउंड का केक रखने वाले हैं तो जैसा कि हमने ड्रॉअर में डबल डबल चिपबोर्ड यूज़ करे थे, आपको भी वैसा ही डबल चिपबोर्ड यूज़ करना है। यहाँ पर मैं एक हार्ट शेप डिज़ाइन करके उसमें फ्लावर रखूँगी डेकोरेशन के लिए, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी चलेगा। पर अगर आप केक रखने के लिए बना रहे हैं स्पेशली, तो मेक श्योर कि आप 21 नंबर का जो इस ये चिपबोर्ड आता है वो यूज़ करिए और डबल चिपबोर्ड यूज़ करिए, मतलब कि जैसा कि हमने ड्रॉअर को बनाने में यूज़ किया था। अभी मैंने सारे साइडों पर मास्किंग टेप ज़्यादा ज़्यादा लगा दिए ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो ड्रॉअर बनने के बाद अभी हमें जो साइड में जो बॉक्स हमारा ओपन हो रहा था जहाँ पर हमने लॉक्स लगाए थे, उसके लिए इस तरह से 3 चिपबोर्ड लिए हैं। 2 का मेज़रमेंट सेम है और बीच वाले का डिफरेंट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगर फिर भी आपको नहीं दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी कन्फ्यूज़न हो। और भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज है क्रिएटिव पीयू, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, आप इजीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो यहाँ पर हम यहाँ पर इसे मास्किंग टेप से इस तरह से जोड़ रहे हैं दोनों ही चिपबोर्ड्स को, जिससे कि हमें खुलने वाला एक बॉक्स बनाना है। मास्किंग टेप से जोड़ने की वजह से ये इस तरह सा एक ओपन खुलने जैसा इसका आर्म बन जाता है और ये कुछ इस तरह से रहेगा। इसके ऊपर हम बाद में इसे ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर लेंगे। तो ये जब इस तरह से हो जाता है तो हम आगे की साइड और ऊपर की साइड भी इस तरह के चिपबोर्ड लगाएंगे। सो ये देखिए इस तरह से आसानी से खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। अभी हमें इसके दोनों ऊपर और नीचे की साइड में लगाना है चिपबोर्ड, जिनका मेज़रमेंट कुछ इस तरह का है 13.5 और 28 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले के लिए 13.5 और 25.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो पहले हम नीचे वाले के लिए लगाएंगे मास्किंग टेप और फेविकॉल की मदद से। इससे हमें खोलने बंद होने वाले जैसे आम नहीं बनानी है, तो हम इसे फेविकॉल से चिपकाएंगे और मास्किंग टेप से इसे सिक्योर करके मजबूती दे देंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम इसके ऊपर वाले पार्ट को भी लगाएंगे। तो पहले मैं इसे वीडियो को टेबल पर रिकॉर्ड करी थी और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद इतना बड़ा साइज़ का बना है कि टेबल पर से वीडियो पूरा कवर नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने इसे फ्लोर पर रख के वीडियो को रिकॉर्ड करा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, फिर फ्लोर भी मतलब इस तरह के कलर का था और ओवर एक्सपोज हो रहा था, तो ये अच्छे से फिर से मैंने इसे इस तरह से ऊपर की साइड से लगाया है इस वाले चिपबोर्ड को। अभी थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है तो हम इसके बैकग्राउंड में कुछ वाइट बैकग्राउंड का प्रॉप यूज़ करेंगे। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने एक साइड तो लगा दिया है इसका साइड वाला और अपर पोर्शन, और दूसरे साइड भी हम इसे लगा देंगे मास्किंग टेप और फेविकॉल की मदद से। लगाते टाइम आपको लग रहा होगा कि बहुत ही नाजुक है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से फेविकॉल अप्लाई करके जब इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा देंगे तो जैसे ही फेविकॉल सूखेगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फिर हम इसके ऊपर वैसे भी ब्लैक कलर की शीट से पूरा तरफ इसे कवर करने वाले फेविकॉल लगा के, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बाहर वाला बॉक्स है वो भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये बॉक्स पूरा रेडी हो जाएगा तब हमें इसके ऊपर करना है ब्लैक चार्ट से इसे पूरा कवर। तो जहाँ जहाँ पर भी हमने इसे फेविकॉल से लगाया हमें मास्किंग टेप अच्छे से लगानी अंदर और बाहर दोनों तरफ से, तो इसकी पकड़ और अच्छी मजबूत होगी और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा या टूटेगा। तो ये हमारा बॉक्स रेडी है कुछ इस तरीके से। अब बस हमें इसके अंदर एक ड्रॉअर को लगाना है जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये जो हमारा ड्रॉअर है हम उसे यहाँ पर नीचे की साइड लगाएंगे।
अच्छे से फेविकॉल लगा करके और फिर उसे मास्किंग टेप से और भी स्ट्रॉन्गली चिपका देंगे। तो जब वो सूख जाएगा तो हमारा बॉक्स पूरा रेडी है, बस उसे कलर करना है। बट हम कलर नहीं करेंगे, इसे हम लगाएंगे ब्लैक कार्डस्टॉक शीट से पूरा कवर करेंगे। अब ब्लैक कार्डस्टॉक शीट तो A4 साइज़ की रहेंगी या A3 साइज़ की, जो कि बहुत छोटी होती है, उनसे इसे कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो दो तरह के मार्केट में ब्लैक चार्ट आते हैं। एक तो आता है 10 रुपीज़ वाला नॉर्मल सा चार्ट, जिसमें देखने में बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत नॉर्मल सा होता है। और एक थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का आता है कार्डस्टॉक शीट जैसा, तो उससे हमने इसे कवर कर लिया है। देखिए, इसे हमने पूरा चार्ट पेपर से कवर करा है, वो भी अच्छी क्वालिटी वाले चार्ट पेपर से। तो आपको क्या करना है, शॉप पर जाना है, बोलना है ब्लैक चार्ट पेपर चाहिए, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला, नॉर्मल वाला नहीं। तो अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको ये दे देंगे। अभी हमने तो पूरा कर लिया है चार्ट पेपर से कवर, और अभी इस तरह का हम लॉक यूज करेंगे, जो कि सब बढ़ा रखा आपने देखा होगा MDF बॉक्सेस में होता है या इस तरह के बॉक्सेस में होता है। तो ये लोग जो है आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज paperspy.in पर कांटेक्ट करिए या क्रिएटिव व्यू पर करिए, आपको ये सारा मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको परचेस करना है एक ही जगह से सारा कुछ, तो वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप सिंपल सा रिबिन से भी, रिबिन का यूज़ करके भी इसे खोलने और बंद करने के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे। हमें बहुत बड़ा हॉल नहीं करना है, बिल्कुल छोटा सा हॉल करूँगी मैं, और फिर उसमें इससे इस स्क्रू को, इस पेज को पेचकस से टाइट कर दूँगी। तो क्योंकि ये एक वुडन नहीं है, ये कार्डबोर्ड है, मतलब चिप बोर्ड है, तो इसमें हम इस स्क्रूइंग टूल से हल्का सा पतला सा छेद करेंगे, फिर इसके ऊपर इस लॉक को रख करके स्क्रू को रख के टाइट कर देंगे पेचकस की मदद से। अगर हम बहुत बड़ा हॉल कर देते हैं तो ये उसमें टाइट नहीं हो पाएगा और फिक्स नहीं हो पाएगा। तो आपको हल्का सा हॉल करना है, फिर इस स्क्रू को लग के घुमाते जाना है, तो ये उसमें अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड लगा के इस वाले लॉक को लगा लिया। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे वाले लॉक को भी हम कुछ इस तरीके से लगा लेंगे, जिसके बाद जो है हमारा बॉक्स जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने घर पर इस तरह का सरप्राइज़ केक बॉक्स कार्डबोर्ड की मदद से। और अगर आप कुछ चीज़ें अच्छी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये मार्केट वाले जैसा ही बनेगा। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बनाया है, और इस चार्ट पेपर को चिपकाने के लिए मैंने टिश्यू टेप या अपनी डबल साइडेड टेप यूज़ करी, तभी ये इतना क्लीन और पेपर बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। पेपर चिपकाने के लिए ब्लैक वाला ये ऊपर की साइड, इसके लिए आप सिर्फ ट्रैकी टेप या फिर टिश्यू टेप ही यूज़ करिए, फेविकॉल मत यूज़ करिए। अगर फेविकॉल यूज़ करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, पेपर श्रिंक हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ टिश्यू टेप के मदद से ही आप पूरे को कवर करिए ब्लैक शीट से। हर एक चीज़ को आपको ब्लैक शीट से कवर करना है, फिर ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हैं, फ़ोटोज़ लगा करके, फ्लावर्स लगा करके, लाइट्स लगा करके, और वो सारी चीज़ें जैसे कि कॉर्क लाइट, ये जो चिप बोर्ड है, ये जो हमने लॉक लगाया है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे पेज पे अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप नहीं समझेंगे जब तक आप खुद से इसे नहीं बनाएंगे। आप खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस बॉक्स को बनाने में कितना टाइम लगता है और क्यों ये इतना कॉस्टली होता है। इसे हैंडमेड ही बनाया जाता है, मशीन मेड तो ये होता नहीं है, तो इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली जब आप इसे एक एक पार्ट को खुद से कट करते हैं। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। सो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।